अति अच्छा खेल की सिलेक्टर हो गए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो उससे भी बेहतरीन चल चल लेकिन नाकामयाब सिलेंटर होम हमारा जो स्कोर रहा है वो 5-0 है। सर्विस जो है बरकरार सिलेंटर होम होगी और फिर अच्छा खेल दिखाई है सिलेंटर होम की अच्छा थैंक यू और ये तो काफी गोली के माफी ये तो खेली गया बहुत ही गलत अंदाज से काफी अच्छी शॉट को सर्विस जो है नए शहर की ओर से नए शहर का खाता नहीं खुल पाया है। सलेमपुर होम का जो स्कोर है वो 5-0 काफी बेहतरीन खेलती हुई सलेमपुर होम की टीम लेकिन हमने अभी कि नए शहर का खाता भी नहीं खुलाता हो खजनावर जो है 6-0 करती और वापसी करना जानती है काफी खतरनाक वापसी करना जानती है नए शहर क्योंकि उन्होंने फिर एक ही पॉइंट बनने दिया था खजनावर का उसके बाद लगातार किस पॉइंट को लेंगे नए शहर जो है वापसी करना जानती है बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन साइडर से जो प्लेयर हैं काफी अच्छा खेल रहे हैं काफी अच्छा गेम खेलता हुआ दर्शक जो है बोर हो रहे हैं हल्ला हल्ला कुछ आ ही नहीं रहा तो कुछ ऐसा करना होगा नए शहर की टीम को कि दर्शक फिर से हल्ला हल्ला मचाए और प्रयोग का उत्साह वर्धन करे और बेहतरीन बेहतरीन शॉट सर्विस जो है शहर के पक्ष में जो सलेमपुर होगो का स्कोर है 5-0 सर्विस नए शहर की ओर से और सलेमपुर के जो सेंट्रल प्लेयर्स हैं वो काफी खतरनाक खेल रहे हैं अच्छी अच्छी शॉट देखने को मिल रही है कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और नए शहर का खाता खुलता हुआ नए शहर का खाता खुलता हुआ इस नए शहर की ओर से सलेमपुर होम के जो पॉइंट है वो 5 है और नए शहर का खाता खुला रहे हैं तो इस प्रकार से ही जो नए शहर है
जो है वापसी करना जानती है काफी देर के इतना खतरनाक शॉट खेलते हुए नई शहर में तो कुछ ही कलों में जो है मैदान के अंदर अंदर भरतड़ी मचा दिया है। जो भी दर्शक अपनी जगह से उठने लगे थे अपने सीटों से टिकट जो है बड़ा महंगा महंगा है हमारे स्टेडियम का दर्शक फ्री में ही मजा ले रहे हैं। करीबन जो है दर्शक करीबन ढाई लाख से भी ऊपर दर्शक होंगे ज्यादा ढाई लाख से भी ज्यादा और मैच के करीबन एक घंटे से भी ज्यादा काफी बेहतरीन से अभी तक जो है राज्य का कोई डिसीजन नहीं आया है। कृपया प्रेशर ना बनाए राज्य को प्रेशर ना बनाए हेलो 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 और जो सलेमपुर है वो कुछ टाइम के लिए मैच रोक दिया जाए समझे कोई बात
और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा, दर्शक भी पूरा आनंद ले रहे हैं खेल का। और इस बार नया शहर के जो कप्तान हैं, उन्होंने फील्ड में थोड़ी तब्दीली की है, ये पहली बार देखने को मिला है। और धोनी का बेहतरीन शॉट, सलेमपुर की टीम भी बराबर जवाब देती हुई बेहतरीन। हेलो, हेलो सर्विस से। और स्कोर लड्डू भाई स्कोर बताएं, स्कोर है फिलहाल 7-5 का। दो अंकों की बढ़त बना हुए हैं सलेमपुर। और पूरी जद्दोजहद के साथ दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट का सरताज बनना चाहते हैं। और इस गेंद के लिए धोनी के पिटारे से एक जबरदस्त शॉट, बेहतरीन धोनी। और मैं तारीफ करनी होगी सबसे ज्यादा मुझे, जो बच्चे नेट पर काम कर रहे हैं पूरे मैच को संभाले हुए हैं और पूरे मैच की जान है, बेहतरीन शॉट। और ये फाइनल है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों शुरुआत ही बात होगा अगर इस प्रोट को चाहते हैं। सर्विस चेंज और सर्विस ने सर के हेलो 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 और सरदार जी की ओर से भी बराबर बेहतरीन खेल का मुजाहरा। और नया शहर भी बराबर टक्कर देते हुए बहुत बेहतरीन शॉट था भाई, भाई और जितनी मेहनत किसी भी मैच में नेटर करते हैं, मैं नहीं मानता कि भाई उससे ज्यादा मेहनत कोई और खिलाड़ी करता होगा। सारी खराब गेंदों को सही करने का जिम्मा नेटर को दिया गया है। और यहाँ पर बहुत जबरदस्त मैच चलते हुए ग्राम आने की हितमपुर के प्राइमरी स्कूल में ग्राम आने की कमेटी के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
स्कोर और स्कोर बढ़कर हुआ 6-7 नया से 6 और सलेमपुर 7 मात्र 1 रन की लीड कोई बहुत बड़ी नहीं है। यहां पर यदि सलेमपुर को मैच जीतना है तो बहुत अलग अंदाज का खेल दिखाना होगा। वो कभी भी सामने की टीम को हल्के में ना ले। और नया शहर तो हम देख चुके हैं दो मैच उनके कितने बेहतरीन अंदाज से उन्होंने जीते, बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाई। जो टीमें कभी आगे खिताब लेकर जाती थी आज उनका स्कोर 10 तक आएगा, आंकड़ा भी नहीं छोड़ दिया उन्होंने। और ये 100% बेहतरीन धोनी का शॉट और ये सलेमपुर की ओर से एक शॉट की ओर कोशिश की गई और सामने दीपक राणा जी एक पर्वत के समान खड़े हैं जिस पर पार पाना सलेमपुर के टीम के लिए बहुत बड़ा काम होगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और धोनी कमान से निकलने वाला है बहुत बड़ा तीर स्कोर 6-7 बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों टीमें मैच पर अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी चाहते हैं कि स्कोर में एक बहुत बड़ा अंतराल हो जाए लेकिन वो इतनी जल्दी संभव नहीं क्योंकि दोनों ही टीमें बराबर की टीमें हैं और ये बहुत कांटे की टक्कर होने जा रही है और बहुत लंबा गेम खींचेगा। और इस 7 की बराबरी पर